आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक डुप्लेक्स प्लान जो कि आपके सामने है। ये एक 3D प्लान है और आप इसे इंटीरियर प्लान भी बोल सकते हैं। इसको हमने डिजाइन किया है मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से। अगर इसके प्लॉट के साइज की बात करूं तो इसका प्लॉट साइज जो है 40x40 है, इससे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं है। और इसके दो साइड रोड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फ्रंट में रोड है और ये आपका साइड में रोड है। तो इसको हमने कोशिश की है मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से डिजाइन करने की, प्लस इसमें क्या क्या चेंज करके हम क्या कर सकते हैं वो सारी डिटेल इस वीडियो में होंगी। इस वीडियो में जो डिटेल होने वाली है वो है आपका 3D प्लान, 2D प्लान, 2D के जो साइजेस होंगे वो, प्लस कॉलम प्लेसमेंट, कॉलम के साइजेस और इसकी कॉस्टिंग। अगर हम ये नक्शे का घर बनवाते हैं तो क्या कॉस्ट पड़ेगा, वो पूरी डिटेल इस वीडियो में होगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम इस 3D प्लान की डिटेलिंग की, कहाँ पे हमने क्या क्या मटेरियल यूज किया हुआ था। सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस की। एंट्रेंस पे हम यहाँ पे हमने रैंप दिया हुआ है। उसके बाद हम इसके लेवल की बात करें तो रोड से हमारा 1 से 1.5 फुट ऊंचा होगा कार पार्किंग, उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए गेट का हमने जो साइज लिया हुआ है यहाँ पे 10 फुट लिया हुआ है। आप 10 फुट में दो पल्ले का गेट रख सकते हैं या फिर एक सिंगल स्लाइडिंग डोर भी दे सकते हैं जो कि आपका राइट साइड में मूव हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे कार पार्किंग का स्पेस। तो कार पार्किंग यहाँ पे कोई भी एक बड़ी कार आप लगा सकते हैं। और इसकी फ्लोरिंग हमने रखी है मोज़ेक टाइल। अलग अलग पैटर्न में बहुत सारे टाइल्स मिलते हैं, आप कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे ग्रीन एरिया जो कि हमने गार्डनिंग के लिए छोड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारे घर का जो मेन एंट्रेंस है उसके बारे में। तो उसको हमने रखा हुआ है मार्बल फिनिश में। इसमें आप पत्थर यूज कर सकते हैं या फिर इसके टाइल्स आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1, 2, 3 स्टेप पे हम ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक स्टेप 6 इंच का है, 6, 6, 12, 6, 18 इंच पे आप यहाँ पे चढ़ गए तो इस हिसाब से आपकी लेवलिंग कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि आप रोड से पार्किंग में है, पार्किंग से फिर जो है आपका ग्राउंड लेवल पे आए, तो इस हिसाब से आपका 3 फुट के अप्रॉक्सिमेट आपकी हाइट बन जाती है रोड से। उसके बाद हम एंटर करते हैं ड्राइंग रूम एरिया में। तो ड्राइंग रूम एरिया काफी बड़ा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सोफा सेटिंग अरेंज किया हुआ है, 3-3 सीटर सोफा प्लस बीच में सेंटर टेबल और इधर आपका LCD आ गया। तो इस हिसाब से आप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो आप स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे लो हाइट आप कंसोल रख सकते हैं, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स रख सकते हैं। प्लस लास्ट वीडियो में काफी लोगों ने कमेंट किया कि मंदिर की स्पेस हमने नहीं दी हुई है, तो मंदिर आपका जनरली नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आता है, उस हिसाब से आपका यहाँ पे इस कोने में आप मंदिर रख सकते हैं, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। प्लस हमने वॉल पे इधर इस वाली वॉल पे जो है हमने टेक्सचर पेंट यूज किया हुआ है और बाकी सारे वॉल्स पे ये सेम कलर का वॉलपेपर यूज किया हुआ है। और ये भी आपका एक डुप्लेक्स प्लान होगा जैसे मैंने बताया था आपको। ड्राइंग रूम के ऊपर छत नहीं होगी तो उसको हम किस तरीके से देखेंगे वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा एक छोटा सा पाउडर रूम है जो कि हमारा कॉमन गेस्ट के लिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है और ये बहुत ही रेयर यूज होगा। उसके बाद हम यहाँ से डाइनिंग एरिया में जाते हैं और डाइनिंग एरिया में एक बार देख लीजिए कि हमने क्या क्या दिया हुआ है। डाइनिंग एरिया में आपका आ जाता है पूरा एक सीढ़ी प्लस यहाँ पे लिविंग रूम, ये डाइनिंग टेबल और यहाँ पे किचन। तो सबसे पहले हम किचन की बात करते हैं। तो किचन का एक बार आप काउंटर देख लीजिए कि हमने यहाँ पे किचन को किस तरीके से अरेंज किया हुआ है। प्लस ये हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर है, यहाँ पे दो लोग बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। प्लस उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग टेबल आता है, आप यहाँ पे 6 लोग बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। उसके बाद जो आता है हमारा यहाँ पे लिविंग एरिया, तो लिविंग एरिया हमारा यहाँ पे बनता है 3 सीटर प्लस 2 सीटर यहाँ पे। और ये जो सीढ़ी के नीचे है आप इसको एज ए स्टोरेज यूज कर सकते हैं, कुछ अच्छे से डिजाइन करके आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। मैं ऐसे पिक्चर्स आप लोगों के साथ कम्युनिटी पे शेयर करूंगा, वहां पे आप देख सकेंगे किस तरीके से हम सीढ़ी के नीचे डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो सीढ़ी है यहाँ से चढ़ रही है और यहाँ से अप होते होते जो है यहाँ पे आपका फर्स्ट फ्लोर आ जाता है। तो इस हिसाब से हमको कितना स्टेप रखना है वो सारी डिटेल मैं आपको 2D में बताऊंगा। प्लस यहाँ पे हमने जो है आपका ओपन टू स्काई रखा हुआ है, पीछे भी आप गार्डनिंग या फिर यूटिलिटी एरिया यूज कर सकते हैं। तो ये आपका नॉर्मल फ्लोर के बराबर ही होगा, बस आपको 2 स्टेप चढ़ के और 2 स्टेप इधर नीचे उतरना होगा या फिर आप इसको इस स्टेप के लेवल में आप ला सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। तो ये सारी डिटेल हो गई सीढ़ी की। उसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही बड़ा एरिया यहाँ पे आता है हमारा,
जिसको हमने कवर किया है टेक्सचर बोर्ड से और बीच में हमने चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स लगा के इसको काफ़ी अच्छा लुक देने की कोशिश की है। इस तरीके से आप भी सोच सकते हैं कि आपके घर में भी ऐसा कुछ डिज़ाइन हो सकता है। प्लस इस वॉल पे हमने कुछ इस टाइप के वॉलपेपर्स यूज़ किए हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेडरूम्स की, कि बेडरूम में हमने क्या क्या यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि फ्लोरिंग ही सबसे अलग है। यहाँ पे फ्लोरिंग हमने यूज़ की है वुडन फ्लोरिंग। आप वुडन फ्लोरिंग में दो तीन वेरायटी आपको मिल जाती है मार्केट में, जैसे कि एक नॉर्मल वुडन का हो गया, दूसरा आपका पीवीसी या फिर विनाइल फ्लोरिंग मिल जाती है, और तीसरा आप या तो वुडन टाइल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चेंज करके फ्लोर की टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। प्लस बैक वॉल पे हमने यहाँ पे टेक्सचर पेंट यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे हमने पूरे वॉल पे एक अलमारी दे दी है जिसको आप स्लाइडिंग यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद पीछे आपकी यहाँ पे विंडो मिल जाती है, और इसके साथ एक अटैच बाथरूम है जिसकी फ्लोरिंग के लिए हमने मोज़ेक टाइल यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मोज़ेक टाइल नॉर्मली हम हर प्लान में देते हैं, तो इसलिए आप इसको अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। प्लस आप प्लेसमेंट देख लीजिए कि हमने कहाँ पे क्या लगाया हुआ। यहाँ पे आपका ये वॉश बेसिन आ गया, यहाँ पे आपकी WC आ गई। सेम आपका बेडरूम टू में भी होगा। बेडरूम टू की बेडिंग आप देख लीजिए कैसा है। इसमें भी आपका वुडन फ्लोरिंग है, और इस वॉल पे आपको मिल जाती है पूरी अलमारी जैसा कि हमने आपको पहले वाले बेडरूम में दिखाया था। उसके साथ एक अटैच यहाँ पे बाथरूम है जिसकी प्लेसमेंट आप देख लीजिए, यहाँ पे वॉश बेसिन है और यहाँ पे WC है। तो इस तरीके से मटेरियल के चेंजेस करके आप जो है अपने घर का इंटीरियर सही कर सकते हैं। ये हमारे प्लॉट का एक बेसिक लेआउट है, किस तरीके से प्लॉट हमारा है, प्लस इसके साइजेस क्या है देख लीजिए एक बार। 40 इसकी लंबाई है और 40 इसकी चौड़ाई है, यानी 40x40 का ये प्लॉट है। सामने आपका वेस्ट फेसिंग रोड है 25 फुट का, और आपका नॉर्थ में भी एक पतला सा रोड है, और इसको हमने डिजाइन किया है मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से। और इस वीडियो में जो आपको डिटेल मिलने वाली है वो है आपका 3D प्लान, उसके बाद है आपका 2D प्लान साइजेस के साथ, उसके बाद जो है कॉलम प्लेसमेंट आएगी, उसके बाद आपकी कॉस्टिंग आएगी। ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखें। मैं यहाँ पे आपको वास्तु के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि घर बनाने से पहले डिसाइड करना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोरवेल और वाटर टैंक की। तो बोरवेल हमको यहीं पे रखना होगा ईस्ट सेंटर में, जो हमारा ईस्ट बन रहा है यूटिलिटी एरिया में, यहाँ पे हम रख सकते हैं। प्लस हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज होगा वो भी आपका इधर ही कहीं होगा, आप यहाँ पे रख सकते हैं। क्योंकि हमारा जो सेफ्टी टैंक बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, इसलिए यहाँ पे एक और कंडीशन बन रही है कि अगर यहाँ पे हम सेफ्टी टैंक रखते हैं तो हम किचन को कहीं और ले जा सकते हैं। तो जरूर ले जा सकते हैं, किचन आप सीढ़ी से रिवर्स कर देंगे, सीढ़ी की जगह पे किचन और किचन की जगह पे सीढ़ी, तो ये चेंजेस आप कर सकते हैं। इस प्लान को हमने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये आपका 2 BHK डुप्लेक्स हाउस प्लान है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको साइजेस दिखाते हैं। सबसे पहले तो साइजेस की बात करें तो सबसे पहले हम एंट्री की बात करते हैं। यहाँ पे जो हमारी गेट की एंट्री होगी वो 10 फुट की होगी। यहाँ पे आप डबल डोर या फिर एक सिंगल स्लाइडिंग डोर लगा सकते हैं। इसकी जो ओवरऑल साइज है ओपनिंग की वो है आपका 24 फुट 4.5 इंच। उसके बाद जो बचा हुआ स्पेस है उसका साइज आपका 15 फुट 7.5 इंच बन रहा है। इसकी जो लंबाई है यहाँ पे किचन तक वो है आपका 6 फुट। प्लस कार पार्किंग का साइज एक बार देख लीजिए। कार पार्किंग का साइज मैं ओवरऑल साइज की बात करूँ तो 20 फुट 6 इंच बन रहा है आपका, और यहाँ तक आपकी जो चौड़ाई बनेगी वो 13 फुट 10 इंच बनेगी, और यहाँ तक आपकी जो चौड़ाई बनेगी वो है 9 फुट 10 इंच। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है यहाँ पे घर की मेन एंट्रेंस। तो घर की मेन एंट्रेंस का साइज हमने रखा है 5 फुट। उसके बाद आता है हमारा ड्राइंग रूम एरिया। तो ड्राइंग रूम एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ पे आपका 13 फुट 1 इंच इसकी चौड़ाई आती है, और इसकी लंबाई की बात करें तो 18 फुट आती है। इस ड्राइंग रूम में जो है आप विंडो दो प्लेस कर सकते हैं, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे। और यहाँ पे एक और कॉमन रिक्वायरमेंट है सभी लोगों की, जैसा कि मंदिर अगर किसी को रखना है तो आप यहाँ पे इस कोने में रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पाउडर रूम का साइज। तो पाउडर रूम का साइज जो है 4x6 का है, जो कि एक कॉमन पर्पस के लिए काफी अच्छा साइज है। उसके बाद हमारा यहाँ पे सेकेंड एंट्रेंस आता है घर के अंदर डाइनिंग एरिया का, जिसको हमने रखा है 5 फुट का। इसका आप डिजाइन कर सकते हैं एक आर्क बना के, काफी अच्छा डिजाइन लगेगा, या फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सीढ़ी और यूटिलिटी एरिया के। तो सीढ़ी हमारी यहाँ से अप हो रही है,
यहाँ से अप होने के बाद आप 18 या 19 स्टेप पे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। इस हिसाब से आपके फ्लोर की हाइट 11 फुट रख सकते हैं। अगर आपको 12 फुट रखना है तो आपको यहाँ पे दो तीन स्टेप बढ़ाने होंगे इस वाले स्पेस में, तब जाके आप इसकी हाइट 12 फुट रख सकते हैं। अब बात करते हैं यूटिलिटी एरिया की। तो यूटिलिटी एरिया में आप यहाँ पे कपड़े सुखा सकते हैं या फिर कोई भी वॉशिंग का काम कर सकते हैं या फिर थोड़ी बहुत ही ग्रीनरी कर सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए आप इस एरिया को यूज कर सकते हैं। और इसका जाने का जो रास्ता होगा, ये जो 1 2 3 स्टेप चढ़ने के बाद जो है, आप इसको लेवल को जरूर मेंटेन करें, उसी हिसाब से इसकी हाइट रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लस एक विंडो आपकी प्लेसमेंट यहाँ पे होगी सीढ़ी के लिए। इसके साइज की अगर मैं बात करूं तो साइज इसका जो है 10 फुट 2 इंच विड्थ है और लंबाई मैं पूरी लूंगा इसकी किचन तक। इसकी लंबाई आप जो बन रही है ये 21 फुट 1.5 इंच बन रही है टोटल, जिसमें सीढ़ी का जो साइज हमने लिया हुआ है वो 3 फुट चौड़ा है और इसका जो ट्रेड का साइज है वो 10 इंच है। राइजर हाइट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, 11 फुट या फिर 12 फुट के हिसाब से जो भी बनेगा वो आप एक बार कैलकुलेट जरूर कीजिए। और पीछे का जो ओपन एरिया है उसको हमने रखा हुआ है टोटल 4 फुट का। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किचन का साइज हमने क्या रखा हुआ है। किचन का साइज हमने रखा हुआ है 7 फुट इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है आपका 10 फुट 2 इंच है। और काउंटर का साइज एक बार देख लीजिए आप, 2 फुट का काउंटर है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि ये आपका ब्रेकफास्ट काउंटर बन सकता है जिसपे आप 2 लोग बैठ के आराम से नाश्ता कर सकते हैं। प्लस बेडरूम 2 की बात करें तो बेडरूम 2 का साइज जो है काफी बड़ा है, 14 फुट 1.5 इंच बन रहा है टोटल चौड़ाई और 13 फुट इसकी लंबाई बन रही है। तो सारी प्लेसमेंट फर्नीचर की मैंने आपको 3D में दिखा दी है। यहाँ पे आपकी विंडो दे सकते हैं, आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, प्लस ये वाला स्पेस भी है आपको विंडो देने के लिए। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे बाथरूम, जो कि इस रूम से अटैच है। इसका साइज है 8 बाय 5.5। इस बाथरूम का साइज है। यहाँ पे वेंटिलेशन आप दे सकते हैं, वेंटिलेशन विंडो, इस शाफ्ट से इसकी वेंटिलेशन हो जाएगी। उसके बाद आता है बेडरूम 2 के बाथरूम का साइज, आप देख लीजिए एक बार, ये 8 बाई 5 का इसका साइज है। आप इसको चाहे तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। बेडरूम 2 14 फुट 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 10 फुट इसकी लंबाई है। तो इस तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का 2D मैप है और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे हमारा पूरा मैप सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। बस किचन की जगह पे अगर हमें स्टोर रूम की रिक्वायरमेंट है तो हम स्टोर रूम रख सकते हैं। उसके बाद जो है ये हमारा लॉबी एरिया बन जाता है। लॉबी एरिया से हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने रेलिंग डाला है। तो रेलिंग से आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे एरिया में छत नहीं डलने वाली। यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर की जो छत डलेगी ना, वो पूरी डलेगी पूरे घर के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे आपका डबल हाइट हो जाएगा, जिससे कि आपको डुप्लेक्स की फीलिंग काफी अच्छी आने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा जो लॉबी एरिया है, वहां से हमने बालकनी के लिए एक रास्ता छोड़ा हुआ है। इसको आप अच्छे से एक आर्क डिजाइन करके आप या तो इसको एज ए बालकनी ट्रीट कर सकते हैं या फिर अपने डिजाइनिंग एलिमेंट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा बेडरूम 2। तो बेडरूम 2 में भी हमने यहाँ पे एक 4 फुट की यहाँ पे बालकनी ऐड की हुई है, कि अगर आपको फ्रेश एयर लेना हो तो आप बालकनी पे जा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा बेडरूम 1। इसमें भी हमने पीछे साइड में एक 3 फुट की बालकनी ऐड की हुई है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बालकनी को जैसा रखना है, छोटा बड़ा, वैसा आप रख सकते हैं। तो ये चेंजेस हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये हमारा बेसिक कॉलम प्लेसमेंट प्लान है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने पिंक कलर के जो बॉक्सेस हैं, ये कॉलम प्लेस किए हुए हैं। और इस तरीके से आप कॉलम को प्लेस कर सकते हैं। हमने टोटल 13 कॉलम इसमें प्लेस किए हुए हैं। और इसकी साइज की अगर मैं बात करूँ तो साइज आपका होगा 9 बाई 15 का भी कॉलम साइज आप रख सकते हैं और 9 बाई 18। अगर मेरी माने तो आप 9 बाई 18 का ही कॉलम यूज करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं इस प्लान की कॉस्टिंग की बात करूं कि ये अगर घर बनवाते हैं तो क्या कॉस्ट पड़ेगा आपको, तो इसका आपको कॉस्ट पड़ने वाला है 20 लाख पर फ्लोर। यानी अगर आप 2 फ्लोर बनाते हैं तो टोटल आपका 40 लाख इसमें लग सकता है। तो अगर इतना बजट है आपके पास तो आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।